हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एब्डोमिनल पाल्पेशन के बारे में। एब्डोमिनल पाल्पेशन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जाता है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आता है। जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन में हम करते हैं असेसमेंट, ऑस्कल्टेशन, वैसे ही पाल्पेशन, पाल्पेशन भी एक पॉइंट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एब्डोमिनल पाल्पेशन होता है वो हम कैसे करेंगे। एब्डोमिनल पाल्पेशन मेनली बेस्ड होता है लियोपोल्ड मैनेवर पर। लियोपोल्ड मैनेवर का सबसे पहले यूज जिसने किया, उनका नाम था क्रिश्चियन जेरार्ड लियोपोल्ड। इन्हीं के नाम पर इस मैनेवर का नाम पड़ा लियोपोल्ड मैनेवर। लियोपोल्ड मैनेवर में मेनली फोर पॉइंट आते हैं जिसमें हम एब्डोमिनल पाल्पेशन को करते हैं। ये जो क्रिश्चियन जेरार्ड लियोपोल्ड थे, ये एक गायनकोलॉजिस्ट थे। मैनेवर के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आखिर मैनेवर होते क्या हैं और ये एब्डोमिनल पाल्पेशन में हमारी क्या हेल्प करते हैं। तो जो मैनेवर होता है वो ड्यूरिंग एब्डोमिनल पाल्पेशन हम उसमें देखते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी हम एब्डोमिनल पाल्पेशन में देखते हैं। एब्डोमिनल पाल्पेशन जो हम जब हम करते हैं तो वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, हम उसके एब्डोमिन को पाल्पेट करके ही हम बेबी का प्रेजेंटेशन देखते हैं कि बेबी का प्रेजेंटेशन कैसा है, साथ ही फंडस की पोजीशन और फीटल हार्ट साउंड को, साउंड की जो लोकेशन होती है उसको देखते हैं। जो मैनेवर होते हैं मेनली फोर टाइप्स के होते हैं। अब इन मैनेवर में जो फोर टाइप्स हैं वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं, उनके थ्रू हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैनेवर। फर्स्ट जो हमारा मैनेवर होगा फंडल पाल्पेशन। फंडल पाल्पेशन को हम मेनली फर्स्ट मैनेवर बोल सकते हैं या फिर फंडल ग्रिप बोल सकते हैं या फिर फंडल पाल्पेशन। इसका तीन नाम होता है, आप कोई भी नाम इसमें से बोल सकते हैं, चूज कर सकते हैं। एग्जाम में ये आता भी है कि फर्स्ट मैनेवर को और किस नाम से जानते हैं या फिर फंडल पाल्पेशन किस मैनेवर के अंतर्गत आता है। तो हम देखेंगे कि आखिर मैनेवर में हम पाल्पेशन करते कैसे हैं। फंडल पाल्पेशन में हम देखेंगे फंडल हाइट, प्रेजेंटेशन, और साथ ही बेबी का लाई। ये तीन चीज़ों को हम जब भी फंडल पाल्पेशन करते हैं तो मेजर करते हैं। अब जो फंडल पाल्पेशन करने का तरीका होता है उसमें हम करते क्या हैं। सपोज दैट कि ये हमारा पेशेंट है, ये पेशेंट का हेड है, हेड साइड है, एंड ये लेग साइड है। तो जब भी फंडल पाल्पेशन करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगी वो पेशेंट की लेग की साइड खड़ी होगी और जो केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का फेस होगा वो प्रेग्नेंट लेडी की फेस की तरफ होगा और वो अपने दोनों हैंड को उसके एब्डोमन के पास ले जाएगी। एब्डोमन के पास जो फंडल वाला एरिया होगा जहाँ पे जिफाइड प्रोसेस होता है, जिफाइड प्रोसेस से वो स्टार्ट करेगी फंडल पाल्पेशन करना। तो वो दोनों अपने हाथों को यूं रखेगी ऐसे, जो भी जिफाइड प्रोसेस वाला एरिया होगा वहाँ से, और वहाँ से वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे डिप करती जाएगी अपने हैंड को और वो ये पाल्पेट करने की कोशिश करेगी, ये महसूस करने की कोशिश करेगी कि आखिर बेबी का ये कौन सा पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, साथ ही बेबी का लाई क्या है और जो फंडल हाइट है वो कहाँ पे है, वो जिफाइड प्रोसेस के पास है या फिर लाइटनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जब हम फंडल पाल्पेशन करेंगे तो जैसे ही हम हैंड को डिप करके और पाल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ हार्ड या सॉफ्ट महसूस होगा। अगर हमको वहां पे हार्डनेस महसूस होती है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि वहां पे बेबी का हेड प्रेजेंट है, लेकिन अगर वहीं पे सॉफ्टनेस फील होती है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे बेबी का बटक वाला पार्ट प्रेजेंट है। अगर वहीं पे अगर हम ऐसे पाल्पेट कर रहे हैं, फंडल पाल्पेशन कर रहे हैं फंडस पे हाथ रख के जिफाइड प्रोसेस के पास और हमको हार्डनेस फील हो रही है तो ये इंडिकेट करेगा कि बेबी हमारा ब्रिज प्रेजेंटेशन में है। लेकिन अगर हमको यहाँ पे सॉफ्टनेस फील हो रही है, बेबी का बटक फील हो रहा है, मींस हमारा जो बेबी है वो सिफेलिक पोजीशन में है। तो यहाँ से हम बेबी का प्रेजेंटेशन, फंडल हाइट और लाई को आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड मैनेवर। सेकेंड मैनेवर को लेटरल पाल्पेशन भी कहते हैं, साथ ही अम्बिलिकल ग्रिप भी कहते हैं। इनको इसको मेनली तीन नामों से जाना जाता है, लेटरल पाल्पेशन, सेकेंड मैनेवर एंड अम्बिलिकल ग्रिप। अब हम इसमें मेजर क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं बेबी का पोजीशन, लाई एंड वैरायटी। अब हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे तो हम आपको बताते हैं। सपोज दैट ये हमारा पेशेंट है, ये इसका हेड है एंड ये लेग साइड है। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगी
मदर के फेस की मदर के लेग की तरफ खड़ी होगी और उसका जो फेस होगा मदर के फेस की तरफ होगा। लैटरल पाल्पेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लैटरल, तो लैटरल पाल्पेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अपने दोनों हैंड हैं इनको लैटरल पोजीशन में मदर के फंडस के पास रखेंगे, यूँ। ये मदर का फंडस है और हम लैटरल पोजीशन में ऐसे रखेंगे। जैसे हम ऐसे रखेंगे लैटरल पोजीशन में हैंड को, और उसके बाद धीरे धीरे उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे। प्रेस करेंगे तो हमको एक महसूस होगा, जैसे हम फील करने की कोशिश करेंगे कि जो इधर वाला पार्ट है वो कैसा है और इधर वाला पार्ट वो कैसा है, लेफ्ट एंड राइट वाले जो पार्ट्स हैं वो फंडस के कैसे हैं। अगर हमको इधर एक सॉफ्ट फर्म लाइक स्ट्रक्चर फील हो रहा है ऐसे कर्व में, तो हम ये समझेंगे कि वहाँ पे बेबी का स्पाइनल वाला पार्ट है। लेकिन अगर इस साइड हमको वहीं पे सॉफ्ट महसूस हो रहा है, मींस उधर बेबी का लिम्ब वाला पार्ट है, तो हम इससे इजीली ये पता कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इधर सॉफ्ट है और इधर हार्ड वाला पार्ट है, थोड़ा सा फर्म कर्व में है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये बेबी का बैक साइड है और बेबी का फ्रंट साइड है। मींस उसका बटक इधर होगा, बटक पेल्विक साइड होगा, और जो बेबी का हेड होगा वो जिप्फाइड की तरफ होगा। तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा। और साथ ही हम आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहेंगे कि जितने भी मैनेवर होते हैं, ये जो भी बहुत ही अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगी या बहुत ही एक्सपीरियंस वाली हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगी वही करती है, अदरवाइज इसको जो पाल्पेशन वाला प्रोसीजर होता है इसको सभी लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे थर्ड मैनेवर कि थर्ड मैनेवर में हम क्या देखते हैं। थर्ड मैनेवर में हम देखेंगे पेल्विक ग्रिप। थर्ड मैनेवर को पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेवर होता है। अधिकतर आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं थर्ड और फोर्थ मैनेवर में, तो हम आपको बता रहे हैं। पहले आप देखिए थर्ड मैनेवर के बारे में। थर्ड मैनेवर जो होता है उसको पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं। इसमें हम देखते हैं बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड और इंगेजमेंट। एटीट्यूड जो होता है इसमें हम देखते हैं बेबी का फ्लेक्शन, फ्लेक्शन देखते हैं। इसमें हम मेनली देखते हैं कि बेबी का जो ट्रंक लिम्ब एंड हेड है उसका फ्लेक्शन कितना हुआ है, मतलब बेबी जब लास्ट समय आता है डिलीवरी का, तो उस कंडीशन में जो बेबी का एटीट्यूड होता है वो कैसा है, मतलब बेबी का जो फ्लेक्शन है वो कैसा है, बेबी का जो हेड होता है, ट्रंक होता है और लिम्ब वो किस पोजीशन में है, इस थर्ड मैनेवर के थ्रू हम देखते हैं। इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती है वो मदर के फेस की तरफ अपना फेस करके खड़ी होती है और लेग की तरफ खड़ी होकर ये मैनेवर करती है। इसमें हम कैसे मैनेवर करते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा पेशेंट है, ये इसका हेड साइड है एंड ये लेग साइड है। इसको करने का जो तरीका होता है उसमें जो मदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगी वो मदर के फेस की तरफ फेस करके खड़ी होगी। जैसे ये मेरा पेशेंट है और मैं एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ, तो इस कंडीशन में हम ऐसे खड़े होंगे। और जो मदर का पेल्विस वाला पार्ट होगा, पेल्विस वाला एरिया होगा लोअर पोल का, वहाँ पे वो अपने वन हैंड की जो फिंगर होगी, इसमें हम हमेशा राइट हैंड का यूज करते हैं। जब भी हम पेल्विक ग्रिप एग्जामिनेशन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, तो हम हमेशा अपने राइट हैंड का यूज करते हैं। राइट हैंड की जो हमारी फिंगर्स हैं, थम्स हैं, हम इसकी सहायता से एक ऐसा ग्रिप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको हम मदर के पेल्विक के पास ले जाते हैं, पेल्विकल एरिया पे ले जाते हैं और डीपली हम इसको डीपली प्रेस करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो बेबी होता है उसका कौन सा एटीट्यूड, मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है, साथ ही उसका प्रेजेंटिंग पार्ट कैसा है और साथ ही बेबी का इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। हम जैसे ही यहाँ पे अपने इस हैंड को रखेंगे यू ग्रिप वाली पोजिशन में, और जब ये हम डीपली पालपेट करते हुए ऐसे देखेंगे, तो हमको ये स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर फील होगा। यहाँ पे हम मदर का जो इंग्विनल लिगामेंट है उसको उसकी सहायता से हम पालपेट करते हैं कि आखिर बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो कौन सा है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है या फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन है। अगर यहाँ पे हमको हार्डनेस फील होती है तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे बेबी का इंगेजमेंट हो चुका है, साथ ही यहाँ पे हार्ड पार्ट है इसलिए यहाँ पे बेबी का हेड ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमको सॉफ्टनेस फील होती है,
यहाँ पे सॉफ्टनेस फील होती है, तो हम ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बेबी का बटक वाला पार्ट है और बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रिज प्रेजेंटेशन है, क्योंकि बेबी का यहाँ बटक फील हो रहा है। अगर अभी बेबी का एंगेजमेंट नहीं हुआ है तो हमको यहाँ पे एक फ्लोटिंग लाइक फील होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे अभी बेबी का एंगेजमेंट नहीं हुआ है। साथ ही जो स्टेशंस होते हैं उसके बारे में भी हम पेल्विक ग्रिप के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो स्टेशन है उसके बारे में आप डिटेल से पढ़िएगा। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ मैनेवर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेवर है। फोर्थ वाले मैनेवर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब हम देखेंगे फोर्थ मैनेवर, जिसको पाओलिक ग्रिप के नाम से जानते हैं। थर्ड मैनेवर जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले कि उसको पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं, और फोर्थ वाले को पाओलिक ग्रिप के नाम से जानते हैं। ग्रिप मीन्स होता है ये किसी चीज़ को पकड़ना या पकड़ने की कोशिश करना, तो इससे हम इजली ये देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हम किसी चीज़ को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं बाई पाल्पेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे पाओलिक ग्रिप जिसको फोर्थ मैनेवर कहते हैं। इसमें मेनली हम देखते हैं बेबी का लाई, इंगेजमेंट और प्रेजेंटिंग पार्ट। इसमें जो लाई की बात करें तो लाई मतलब होगा कि लॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। जो भी मदर का ये यूट्रस होता है, यूट्रस से और बेबी, जो यहाँ पे बेबी है, बेबी और मदर के यूट्रस का जो लॉन्ग एक्सिस है उनके बीच रिलेशनशिप क्या है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि बेबी यहाँ पे सिफेलिक है, तो इस कंडीशन में बेबी का हेड इधर होगा और लेग इधर होगा। अब हम देखेंगे कि आखिर इस थर्ड फोर्थ मैनेवर को हम कैसे करते हैं। तो फोर्थ मैनेवर में सबसे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो पहले फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मैनेवर किए उसमें हमारी जो पोजिशनिंग थी वो मदर की फेस की तरफ थी, मदर के फेस की तरफ ही जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर थी या हमें ही मान लीजिए, तो वो फेस मदर की फेस की तरफ था। लेकिन जब हम फोर्थ मैनेवर करेंगे, पाओलिक ग्रिप वाला पाल्पेशन करेंगे, उस कंडीशन में जो हमारा फेस होगा जस्ट मदर के अपोजिट होगा, मतलब हमारा फेस मदर के लेग की तरफ होगा और हम पाल्पेशन करेंगे। कैसे करेंगे, ये मान लीजिए कि हमारा पेशेंट है, ये इसका हेड, ये हेड साइड है एंड ये लेग साइड है। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या कि हमने बताया था आपको कि जितने भी हमारे थ्री मैनेवर्स जो जो हमने अभी तक किए उसमें हमारी जो पोजिशनिंग थी वो मदर के हेड की तरफ थी, हमारा जो फेस था मदर की फेस की तरफ था, लेकिन फोर्थ मैनेवर में हमारा फेस मदर के लेग की तरफ होगा। तो हम इसको यूँ करते हैं, ऐसे हम इसको करेंगे, जैसे ये हमारे दोनों हैंड हैं, हम दोनों हैंड की जो हमारी फिंगर ग्रिप्स हैं इनको लेंगे, साथ ही हम ऐसे फंडस पे लगाएंगे और फंडस पे लगा के हम ऐसे डीपली इसको प्रेस करते हुए पेल्विक एरिया की तरफ जाएंगे। जैसे हम पेल्विक एरिया की तरफ जाएंगे तो हमको बेबी की प्रेजेंटेशन फील होगी, साथ ही बेबी का लाई भी फील होगा और इंगेजमेंट भी फील होगा। अगर जैसे ही हम यहाँ अपना हैंड रखते हैं और पालपेट करते हुए नीचे पेल्विक की तरफ जाते हैं डीपली प्रेस करते हुए, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर हमारे दोनों ग्रिप ये आपस में मिल जा रहे हैं तो ये इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे बेबी का एंगेजमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारे हैंड यहीं पे आके रुक जाते हैं और यहाँ हमको कुछ हार्डनेस फील होती है, तो इसका मतलब है कि बेबी का एंगेजमेंट हो चुका है, बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पार्ट बेबी का प्रेजेंट है, तो हम अपने हैंड के थ्रू ये देखेंगे, पालपेट करेंगे, और अगर हमको यहाँ पे हार्डनेस फील हो रही है मीन्स यहाँ पे बेबी का हेड प्रेजेंट है, सॉफ्टनेस फील हो रही है मीन्स यहाँ पे बेबी का बटक वाला पार्ट प्रेजेंट है। बहुत ही इजी है ये पाल्पेशन करना, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। एब्डोमिनल पाल्पेशन करने से पहले एक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबसे पहले हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होगी वो बहुत ही एक्सपीरियंस वाली होनी चाहिए। साथ ही ये मैनेवर करने से पहले हमको ध्यान रखना है कि जो मदर होगी उसको पूरी तरह से प्राइवेसी हमको मेंटेन करके रखनी है, साथ ही मदर के जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करना है, और पाल्पेशन करने से पहले ब्लैडर को एम्प्टी करना है। अगर ब्लैडर फुल रहेगा तो पाल्पेशन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बेबी, चूँकि वहाँ पे फ्लोटिंग वाला कंडीशन आ जाएगा, एक तरफ ब्लैडर फुल रहेगा और दूसरी तरफ यूट्रस है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले मैंने पाल्पेशन करने से पहले हम ब्लैडर को पूरी तरह से एम्प्टी करवा देंगे। अगर मदर नहीं
नहीं जा सकती है तो फिर हम वहाँ पे कैथेटराइजेशन के थ्रू मदर के ब्लैडर को इम्प्टी करेंगे। हम जब भी मैनेवर करते हैं तो हम एक पोजीशन देते हैं मदर को, वो पोजीशन होती है डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। जो मदर का लेग होता है उसको थोड़ा सा फ्लैक्स करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारी मान लीजिए पेशेंट है, ये हमारी पेशेंट है, तो ये तो हो गई हमारी सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में बेबी सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को बिल्कुल फ्लैट रखते हैं, सीधा लिटाते हैं, लेकिन डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन जो बटक्स होता है यहाँ से जो इसका लेग होता है ये इस कंडीशन में होता है, हम ऐसे रखेंगे, जो मदर होगी उसके लेग्स को डॉर्सल रिकमेंड में रखेंगे पोजीशन हम इसको मदर को देंगे। साथ ही हम एक पिलो रखेंगे जो मदर का हेड होगा उसके नीचे, जो मदर के शोल्डर्स होंगे उसके नीचे हम एक पिलो प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि मदर का जो शोल्डर वाला एरिया है थोड़ा सा राइज हो जाएगा और इससे हमको पालपेट करने में आसानी होगी। इसके बाद हम मदर का वही एरिया ओपन करेंगे जिस एरिया में हमको पालपेशन करना है, मीन्स हम जो फंडस वाला एरिया होगा सिर्फ उसी एरिया को ओपन करेंगे। और पालपेशन करने से पहले हमको इस प्रोसीजर के बारे में मदर को डिटेल से बताना है कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मदर को बतानी है। पालपेशन शुरू करने से पहले हमको अपने दोनों हैंड को अच्छे से रब करना है, क्योंकि जैसे ही हम मदर का पालपेशन करने जाएंगे तो हमारे जो हैंड होंगे जैसे हम टच करेंगे तो मदर को एक सेंसेशन फील होगा, जिससे मे बी जो बेबी होगा उसको भी सेंसेशन फील होगा और उसका जो नॉर्मल वे है चेंज हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहले अपने हैंड को रब करेंगे। रब करने की वजह से थोड़ा सा फिंगर्स जो हमारे हैंड्स हैं थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे, जो एब्डोमेन का टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, तो फिर इसके बाद हम पालपेट करेंगे। साथ ही अगर मदर के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ वो पूछ रही है तो हम उसके इजीली जवाब देंगे। उसके बाद हम हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से ड्राई करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे और रब करने के बाद ही हम मदर को जो रब करने के बाद ही हम अपना पालपेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमको मदर को ये बताना है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगी जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें, तभी हम अच्छे से ये एग्जामिनेशन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट के साथ ज़रूर बताइए। आई होप कि ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन।